पेरिस ओलंपिक्स रे भारत को आउ एक पदक मिली। जावलिन थ्रो रे नीरज चोप्रा को मिली रौप्य पदक। क्रमगत द्वितीय ओलंपिक्स रे पदक जीति भारतीय जावलिन खेलाड़ी भाव इतिहास रचिंट नीरज। तेरे स्वर्ण पदक दावीदार थिबा नीरज रौप्य संतुष्ट होगा पड़ी। 99.45 मीटर दूर को जावलिन थ्रो कर से रौप्य पदक जीति। पूर्व 2020 रे टोक्यो ओलंपिक्स रे नीरज 87.58 मीटर जावलिन थ्रो करी स्वर्ण पदक जीति थिले। सेपटे पाकिस्तानी जावलिन थ्रोयर अरशद नदीन ओलंपिक्स इतिहास रेकर्ड भांगिबा सह 92.97 मीटर जावलिन थ्रो करी स्वर्ण पदक जीति। ग्रेनाडार आंडरसन पीटर्स कांस्य पदक संतुष्ट होगा पड़ी। यह मिसाई पेरिस ओलंपिक्स रे भारत को एपर्यंत मोट 5 पदक मिली। नहीं बिल्कुल, कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे आज अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पर ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब भी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। वहाँ पर हर खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके पहुँचते हैं और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है, पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है। बहुत अच्छा, देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया। नहीं देखो तो उसकी जो खेलता है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर है, तो उसका ध्यान सिर्फ खेल के ऊपर है, बाकी दूसरे कामों में या किसी में उसको ध्यान नहीं बटाता, वो खेलों में ध्यान रखता है। और बड़ी खुशी है हमें कि हम सिल्वर तक पहुंच पाए। बिल्कुल सभी अपने देश के लिए फाइट कर रहे थे, सभी का अपना दिन होता है खिलाड़ी का, और हमें सिल्वर मिला, खुशी है हमें बहुत। बिल्कुल टफ होगा, सभी अपने देश के लिए लड़ते हैं और आने वाला टाइम और भी टफ होगा और बच्चे और भी निखर के आएंगे। उसने अपने देश के लिए जी जान लगा दी, अपनी तरफ से उसने 100% दिया। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।